हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय होम गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आजकल मेरे बाग में इन पोटोलोका के फ्लावर्स ने बहुत अधिक बाग की शोभा को बढ़ा रखा है और ये देखने में बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी मात्रा में देखिए ये ब्लूम कर रहे हैं, तो गार्डन सुंदर लग रहा है। तो आज की वीडियो में आपसे पोटोलोका के इन सुंदर फ्लावर्स के बारे में बात करूँगी कि किस प्रकार से हम इनमें अधिक से अधिक ब्लूमिंग प्राप्त कर सकते हैं और ये इतने सुंदर दिखाई देते हैं। पोटोलोका एक बहुत ही सिंपल और प्यारा फ्लावर है जो कि सिर्फ जो है वो डंडियों के माध्यम से लगाया जाता है, और अगर आप इसकी एक गमले में चार पांच भी डंडियां लगा दें तो वो धीरे धीरे करके पूरी बुशी हो जाती हैं और बुशी होकर के वो अपने आप फ्लावर देने लगती हैं। जब तेज़ गर्मी हो तो ये पोटोलोका कम फ्लावर देता है, बरसात के मौसम में इसमें इतना फूल आता है कि गार्डन देखने में बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए, सारी मेरी जो जितनी भी बास्केट हैं सब ये देसी पोटोलोका के फ्लावर्स से भरी हुई हैं, और इसके अलावा गार्डन में और भी जो प्लांट्स हैं वो भी पोटोलोका उसमें भी खूब ब्लूम कर रहा है। इसके अंदर जो खाद का हिसाब है वो मैं केवल आपको बताऊं, मैंने एक वीडियो बनाया था अभी जिसमें मैंने ऑनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना बताया था कि प्याज के छिलकों को भिगो दीजिए। वो एक इतना अच्छा फर्टिलाइज़र है, वो अगर आप इसमें डालें, एक छोटा गिलास ऑनियन पील को भिगो दीजिए, उसमें थोड़ी सी चाय की पत्ती डालिए, एक दिन भीगा रहने दीजिए और उसके बाद पोटोलोका के हर गमले में वो एक सिंपल खाद डाल दीजिए, फिर देखिए आपके कितने पोटोलोका के फूल आपके गार्डन में आते हैं। इसके साथ ही साथ आपको केयर तो ज़रूर करनी पड़ेगी। मैंने अभी देखा कि बड़ी बड़ी, मैं एक जगह गई थी वहाँ मैंने देखा कि उन्होंने बड़ी बड़ी डिशेस में तरह तरह के पोटोलोकास लगा रखे हैं, लेकिन उनके यहाँ क्या दिक्कत है कि देखने से गमलों को ये लग रहा था कि पूरी उनकी जो ये ब्रांचेस थी हरी होने के बजाय सब सूखी हुई, और गमलों को देख के लग रहा था जैसे चार पाँच दिन से इसमें पानी ही नहीं पड़ा है। तो देखिए, अगर आप केयर नहीं करेंगे तो कोई भी खाद डाल दीजिए, कहीं भी आप प्रूनिंग कर लीजिए, कोई भी कटिंग कर लीजिए, फ्लावर कभी भी ब्लूम नहीं करेंगे। तो ये इतना सिंपल और प्यारा फ्लावर जो कि हाइब्रिड भी आता है, कलर्ड भी आता है, मेरे को तो ये देसी अच्छे लगते हैं तो मेरे बाग में ये देसी लगे हुए हैं, और इधर ये पर्सलेन भी जो है ये लगा हुआ है, इस पर भी मेरा वीडियो बना हुआ है। तो सभी पौधों की देखभाल करती हूँ, तो आप भी अपने गार्डन में पोटोलोका के फ्लावर्स लगाइए। बहुत सिंपल है, इनके यहाँ से डंडी बस काट लीजिए, काट करके गमलों में बो दीजिए 8-8, 10-10, और ये अपने आप ही फ्लावरिंग करने लगेंगे। सिंपल खाद, वर्मी कंपोस्ट डालिए आप इसकी समय समय पर गुड़ाई करते रहिए, और ऑनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र, और ये खूब ब्लूम करते हैं, बड़े प्यारे और सुंदर दिखाई देते हैं। तो पोटोलोका को अपने गार्डन में जगह दीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।